आईएमएफ का बिजली पैदा करने वाली सनतों से मरात वापस लेने का मुतालबा। बिजली बिलों पर रिलीफ के मामले पर वजारत तवानाई, वजारत खजाना और आईएमएफ के दरमियान पेशरफ्त ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक आईएमएफ ने पाकिस्तान से एक और मुतालबा करते हुए बिजली खुद पैदा करने वाली सनतों को दी गई मरात वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। आईएमएफ ने मुतालबा करते हुए कहा कि बिजली बनाने वाली सनतों के लिए गैस कीमतों में फौरी इजाफा किया जाए। चीनी दालें, मुर्गी और अंडे सस्ते हो गए। मार्केट ज़राए के मुताबिक लाहौर में मुर्गी का गोश्त 498 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। मुर्गी के गोश्त की कीमत में चंद रोज़ में 70 रुपये की कमी हुई। अंडे भी 18 रुपये सस्ता होने के बाद फ़ी दर्जन की कीमत 285 रुपये हो गई। चंद रोज़ में चने और दाल माश की फ़ी किलो कीमत 30 रुपये कम होने, जबकि बड़ी डबल रोटी 10 रुपये इजाफे के बाद 230 रुपये और छोटी डबल रोटी 10 रुपये महंगी होने के बाद 130 रुपये की हो गई है। डॉलर तीसरे रोज भी सस्ता, रुपया मुस्तहकम होने लगा। कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर 1.39 रुपये सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर 298.50 रुपये का हो गया। दूसरी जानब स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान देखने में आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 96 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 45,604 पॉइंट्स पर ट्रेंड करते हुए देखा गया। मजहब के नाम पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवार अलग काकड़ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान काबीना का इजलास हुआ। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान के काबीना ने वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में गंदम की पैदावार पर सब्सिडी की अदम फराहमी का मामला भी ज़ेर बहस आया। उन्होंने कहा कि मजहब के नाम पर इंतशार फैलाना नाकाबिले बर्दाश्त है और मजहब के नाम पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मस्कत से भारत आने वाले त्यारे में मुसाफिर की मौत किसी को पता न चला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मरने वाले शख्स का ताल्लुक भारत से था, जो कि छुट्टियों पर वतन वापस आ रहा था। भारतीय मीडिया के मुताबिक चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहाज़ की लैंडिंग के बाद तमाम मुसाफिर त्यारे से उतर गए, ताहम 38 साल शख्स अपनी सीट पर ही बैठा रहा। भारतीय मीडिया के मुताबिक केबिन क्रू के अफराद ने जब मुसाफिर को हिलाया तो मालूम हुआ कि इसकी मौत हो चुकी है।